नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं संपर्क पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चुनावी साल है, दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इसे लेकर एक बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले कई कांग्रेस नेता भाजपा में आएंगे, ऐसे कई प्रस्ताव हमारे पास हैं। चंदेल के इस दावे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चंदेल पहले अपनी पार्टी वालों के संपर्क में रहें, वे खुद अपनी पार्टी के ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे और इसे एक तरह से कटाक्ष कहा जा रहा है। पहले इस पूरी खबर को विस्तार से समझाते हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से साझा करते हैं आपसे, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले रिपोर्ट। करीब छह महीने बाद छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद भाजपा के कुछ और नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि पूरे देश में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। प्रदेश में भी चुनाव नजदीक आने पर अनगिनत लोग भाजपा में आएंगे। उनके इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नारायण चंदेल पहले अपनी ही पार्टी के संपर्क में रहे, वो खुद भाजपा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। भाजपा के जितने पुराने नेता हैं, जैसे रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, नारायण चंदेल, ये सब नेपथ्य में डाल दिए गए हैं। प्रदेश नहीं, पूरे देश में आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर पूरे देश के अंदर में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। एक नहीं, अनेक कांग्रेस के नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हैं। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में रहे, बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते हैं नेता प्रसाद। तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धरमलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में धकेल दिया गया। भाजपा नेता चाहे जो दावा करे, फिलहाल सामने तो छत्तीसगढ़ से भाजपा के बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की घटना है। इसी तरह मध्य प्रदेश में दिग्गज भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का कांग्रेस में जाना है। ऐसे में चंदेल का ये बयान हकीकत से मुंह मोड़ने वाला ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH24। सर, तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज हैं नितिन भंसाली जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं देवलाल ठाकुर जी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और पहला सवाल मुझे लगता है देवलाल ठाकुर जी आपसे होना चाहिए आज, क्योंकि चूंकि नारायण चंदेल जी के साथ शुरुआत हुई, उन्होंने कहा कि भाई देश भर में जो बीजेपी नेता हैं वो बीजेपी नेता कांग्रेस में नहीं जा रहे, बल्कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके उलट हुआ है। सवाल तो ये है देवलाल जी कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ में ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में उल्टी गंगा नहीं बही है। सबसे पहले तो आप देश में कांग्रेस की जो हालात देखेंगे कि कांग्रेस को छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, और कहीं ना कहीं इस देश में नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के संगठन नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है। कांग्रेस ने भी इस पर भरोसा किया है कि देश को विकास के रास्ते में अगर कोई ले जा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के आचरण और उसके कार्यों से बहुत से लोग, विधायक जैसे लोग दुखी हैं। कहीं न कहीं इसमें आदिवासी विधायक ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं कि उनके हक एवं अधिकार पर उनको चुप कराया जाता है और विधानसभा में उनको बोलने तक नहीं दिया जाता। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न होती है कि वो लोग आदिवासी होते हैं। एक मिनट में आपको रोकूंगी, ये आप कह रहे हैं, ये आप छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं, ये आप आदिवासियों के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने के बाद कह रहे हैं? जी, उनके जाने के बाद ही कह रहा हूँ, क्योंकि नंद कुमार साय जी को जाने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता अरविंद नेताम जी से पूछ लेना चाहिए था
कितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, अरविंद नेताम जी, आज वो किस हालात पर जीने को मजबूर हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाकर आदिवासी समाज को उतारने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात से पूरा छत्तीसगढ़ वाकिफ है। और कांग्रेस क्यों नहीं जान रही है, क्यों उनका सम्मान नहीं कर रही है, क्यों आदिवासियों का अपमान कर रही है? कांग्रेसियों को सोचना चाहिए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री है, शायद इसलिए ही आदिवासी क्षेत्र के पैसे को लाकर अपने पाटन विधानसभा में खर्च कर दिया, जिसके कारण से उनके कांग्रेस के अंदर ही बिखराव की स्थिति है। विधायक आज उसके विरोध में है कि हमारे जो जनजाति क्षेत्र में हमारे जो संयंत्र लगने थे उन पैसे को हमारे आदिवासी बच्चे के हक एवं अधिकार को छीन कर, उनके मुंह से निवाला छीन कर आप पाटन विधानसभा में ले आए। कहीं ना कहीं इसको जनता के बीच में तो ले जाना चाहिए कि आज 7,000 बच्चे, आदिवासी बच्चे, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के आप अच्छे वित्त मंत्री होने का ढोंग रचते हैं, उनको पैसा नहीं दे पा रहे, उनके पढ़ने लिखने पर असमय संकट आ गया है। आदिवासी विधायक इसको देख रहे हैं कि आदिवासी समाज का 110 जो बच्चे हैं, 110 जो बच्चे नहीं बन पाए, वही जवाब दे रहा हूं कि अंदर अंदर कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर्कलह बिखराव की स्थिति है, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कारण है। क्या हुआ नितिन जी, एकदम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए आप तो? अब ये बात ही ऐसी कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता भाई, अरे आदिवासियों कोई बड़े परिकल्पना नहीं की जा सकती, वो नहीं संभले आपसे, और वो अगर कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद भाजपा में आदिवासियों की क्या स्थिति है ना, उन्होंने सारे प्रेस वालों के सामने अरविंद नेताम को देख लीजिए ना, अरे अरविंद नेताम जी को बहुत दिया है पार्टी ने, आपने क्या दिया नंद कुमार साय को, और हुक्को भाई एक कितने विधायक संपर्क में, क्या लफाजी कर रहे हो, क्या लफाजी कर रहे हो, इसी मैं बोलता हूँ वो नंदी राम का हो, विष्णुदेव साय और राम मिचाल नेताम को संभाल लो, नाम लेकर बोल रहा हूँ, तीनों नाराज है आदिवासी वर्ग, आप लोगों से खुश है, आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, लफाजी करना आप लोगों का काम हो चुका है, लज्जा नहीं आती, तुम दोनों बात करो यार, ये पूरे देश के लोग मुख्यमंत्री को आदिवासियों के पैसे को खा, आप छत्तीसगढ़ की बात देश के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के नेताओं को तो संभाल नहीं पा रहे हो, समाज के अपनी पार्टी के नेताओं को तो संभाल नहीं पा रहे हो, पार्टी का बोल रहे हो हमारे संपर्क में, केंद्र से पैसे आ गया, वो पैसे को आपका लोग नाराज है, आपको चौदह में से भी मेरे को बच्चा कुछ झंड बची गया भाई, बच्चे बनाम नहीं लूंगा, पर मैंने तो बोला समाज के बच्चे दुर्गति के जो नंदू कुमार साय जी ने बोला, देवलाल जी और नितिन भंसाली जी प्लीज एक एक करके, ऐसे तो हम किसी को सुन नहीं पाएंगे और दर्शक भी किसी को नहीं सुन पाएंगे। नितिन भंसाली जी आपसे सवाल है, टीएस सिंहदेव जी के संपर्क में रहते हैं आप लोग? बिल्कुल। मोहन मरकाम जी के संपर्क में रहते हैं आप? प्रतिशत संपर्क, वो तो संपर्क में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ आपके साथ नहीं है, ऐसा क्यों लगता है? 100% संपर्क में है, जय वीरों की जोड़ी है भाई, और ये जय वीरों की जोड़ी देखिएगा चमत्कार होगा, हम 71+ में काम कर रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है सोनल जी, कोई मुद्दे नहीं, अभी कुछ नहीं मिला तो सुबह उठ के मुंह धो के इनके नेता प्रतिपक्ष ने बोल दिया कि हमारे संपर्क में काफी विधायक, क्यों बोला? क्योंकि उनके हाथ से नंदकुमार साय जी जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता निकल गया, और उनको शुद्ध नीति, नंद कुमार साय ने चिट्ठी पहले भेजी थी भाई, 4-5 दिन पहले चिट्ठी भेजी थी आपके वो जो प्रभारी है उनके पास और प्रदेश अध्यक्ष के पास, उसका कोई जवाब ही नहीं आया, ध्यान ही नहीं दिया, लगातार उनके साथ उपेक्षा उनकी होती रही, और वो लगातार इस चीज में अपने संगठन को अवगत करा। सर आप कैसे विरोधी पार्टी है, सर आप कैसे उपेक्षा की बात करें? नितिन जी, सीएस सिंहदेव जी हमेशा कहते रहते हैं अपने बयानों में, सचिन पायलट जी क्या कह रहे हैं राजस्थान में, आप सुन नहीं रहे क्या? वो भी तो उपेक्षा की बात करें, क्या हो रहा है कांग्रेस में? कोई उपेक्षा नहीं है, देखिए फिर भी सब एक छतरी के नीचे हैं, हाँ सारे लोग एक छतरी के नीचे हैं, कांग्रेस की मजबूत छतरी के नीचे, जिसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं अभी, उस छतरी के नीचे है सारे नेता, कोई कुछ भी बोले, ये सारे सिगुफे जो छोड़े जाते हैं, ये सिगुफे भाजपा के ही लोगों के द्वारा छोड़े जाते हैं, इनके नेताओं के द्वारा छोड़े जाते हैं, क्योंकि जो देश में जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी आदि, रोजगार, इन सारे मुद्दों से ध्यान को मुश्किल फिर भी 3-4 राज्यों में रह गए, मुश्किल फिर भी 3-4 राज्यों में रह गए। देखिए डबल इंजन की सरकार थी हिमाचल में, गया एक इंजन, अभी दूसरा कर्नाटक में, आप रुकिए, और बाकी जो 5 राज्यों में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, समझ में आ जाएगा कि कौन कितने दम में है। और मैं ये दावा करता हूं 23 में तो हम बहुमत से इन राज्यों में सरकार बना रहे हैं, हमारा लक्ष्य 2024 में जो ये जुमलेबाजों की सरकार बैठी है, जो झूठे वादे करके जो सत्ता में आई है, उनको जड़ से उखाड़ना है।
ठीक है, केके शर्मा जी का रुख करें, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है इस वक्त। केके जी, आपसे समझना चाहेंगे दरअसल कि ये दोनों ही पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं, चाहे वो देवलाल ठाकुर जी की बात करें, जितिन भंसाली जी की बात करें, सब दूसरे पड़ोसियों के घरों की दोनों बात कर रहे हैं, अपने घर की कोई बात नहीं कर रहा। अपने अपने घर के किसी के संपर्क में कौन कौन नहीं है और कौन ये सिर्फ दिखा रहा है कि है, लेकिन वास्तव में तो बात नहीं होती। सोनल जी, छत्तीसगढ़ में यदि दल बदल की बात करें तो अजीत जोगी के शासनकाल में 14 विधायक गए थे भाजपा से, और उसके जबकि सत्ता में थी, उनकी आवश्यकता नहीं थी उसके बाद। अब उसके बाद यदि देखें तो सावधानी, ढाई साल की जो बात आई, इतनी सावधानी कांग्रेस ने बरती तो दिख रहा है कि 62 विधायकों के पास लाल बत्ती है, 71 में से 63 विधायक ऐसे हैं जो लाल बत्ती में किसी न किसी पद में है। क्योंकि ढाई साल वाली बात आई तो आप देखे होंगे कितने विधायक दिल्ली गए और क्या स्थिति बनी। अब जो भाजपा की निगाह कहीं लगती है तो मुझे नहीं लगता कि TS बाबाकर यदि इनके जैसे आप बोल रहे हैं, यदि वो बात आती है तो मुझे वो स्पष्ट कर चुके हैं, मैं कांग्रेस के भीतर ही रहूंगा, कांग्रेस में रहूंगा। अंबिकापुर में जिस ढंग से नंद कुमार साय आए हैं तो ऐसा आता है कि कहीं TS बाबा की उपेक्षा तो नहीं है, उसकी सब्स्टिट्यूट तो नहीं पैदा किया जा रहा है, ये अंदरूनी खाने की चर्चा है। लेकिन फिलहाल TS बाबा एक कांग्रेस के जिम्मेदार नेता के रूप में बार बार कहते रहे चुनाव लड़ने का मन मेरा नहीं है, भले ही उसमें कामराधर साहू जो कहते हैं कि यदि किसी के जाने से कोई मतलब चुनाव नहीं लड़ने फर्क, एक चुनाव नहीं लड़ेगा तो 10 खड़े हो जाएंगे, ये भी बयान है। लेकिन अंदरूनी अभी पहला इतनी बाहर नहीं आई कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा में जाए। योगी कांग्रेस के कुछ विधायकों के नाम आ रहे हैं, वो भी अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए हैं, दो विधायकों के नाम बार बार आते हैं कि ये जा रहे हैं जा रहे हैं, ये स्थिति है। दूसरी चीज है अंदरूनी कलह और गुटबाजी को बाहर तक लाने का प्रयास विरोधी दल करते हैं जिससे सामने वाले दल को नुकसान हो। नंद कुमार साय के आने से, आदिवासी एक दिग्गज नेता है, उनके जाने से भाजपा को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कैसे करेंगे ये अलग विषय, भाजपा अपने स्तर पर प्रयास करेगी। क्योंकि केंद्र में जो जितनी मजबूत भाजपा है, छत्तीसगढ़ में यदि विधानसभा की बात करें उतने ही कमजोर भाजपा है छत्तीसगढ़ में। तो ये स्थिति 71 में से जाने के बाद अब टिकट वितरण के लिए जो सर्वे हो रहा है, आज नेता कब जाता जब उसको लगता है मुझे टिकट नहीं मिलेगा। नंद कुमार साय की एक बात आई कि 70 साल से ज्यादा वालों की कांग्रेस में उपेक्षा होने वाली है, नए लोगों को अवसर दिया जाने लगा है, जैसे लोकसभा में टिकट मिला संतोष पांडे की सक्रियता आप देख रहे हैं, इस तरह से लोग नए नेता जो आ रहे हैं उनके बयानों को लेकर, विजय बघेल को लेकर बार बार आता है कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो नए जो चेहरे ले आ रहे हैं उससे पुराने कितने संतुष्ट होते हैं। अभी पिछले दिन साय जी के जाने के बाद वरिष्ठ नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया भाजपा में। इसी तरह कांग्रेस में यदि बात करें तो 71 विधायक है, कितने लोगों को टिकट रिपीट करेंगे, उसमें इंटिंकम्बेंसी के चलते हुए जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें यदि टिकट काटते हैं तो वो विधायक क्या भूमिका करते हैं। लेकिन भाजपा के भीतर कार्यकर्ताओं में ये बात जरूर देखी जा रही है कि इस बयान को लेकर कार्यकर्ता खुश नहीं है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं को लगता है जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको टिकट देना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में भाजपा के देखोगे उसमें कार्यकर्ता यही बात कर रहे हैं, इस प्रकार से लाके स्थानीय जो कार्यकर्ता है, जो शुरू से दरी उठाने वाले कार्यकर्ता कहे जाते हैं, इनकी उपेक्षा ना हो ये भाजपा कार्यकर्ता करे। बड़े नेताओं को लाने से पार्टी के भीतर यदि उसमें इतनी क्षमता है नेता में कि अपने दम पर अपने विधानसभा क्षेत्र जीत जाए तब तो अच्छी है, नहीं तो अंदरूनी कलह में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि कार्यकर्ता उनका साथ दे, जो बाहर से आने वाले को सपोर्ट करे। मुझे नहीं लगता कि भाजपा के भीतर कम से कम इतना है। कांग्रेस में तो एक बार करुणा शुक्ला जैसे आई, टिकट मिल गया रमन सिंह के खिलाफ, भाजपा में ऐसी स्थिति बहुत कम रहती है, उसको स्वीकारोक्ति मिलना इतना आसान नहीं होता है। जी बिल्कुल, ऐसे में जाहिर बात है कि मुश्किलें दोनों के लिए ही कम नहीं होने वाली है, तो टिकट वितरण के बाद ही पता चलेगा। देवलाल जी, के मिश्रा जी ने, के जी ने अभी कहा है जो, उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, तो प्रकार जी की बातों पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये सत्य बात है कि लोगों को अगर पार्टी दल बदल करनी है तो उनके आचारों विचारों से सहमत होना चाहिए। आपकी अगर विचारधारा अगर उस पार्टी से नहीं मिलती तो आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को KK शर्मा जी ने बहुत अच्छे से कहा। लेकिन मैं जो कांग्रेस के लोग जो जय वीरू की जो संज्ञा देते हैं कि एक है करके, तो जय वीरू की लड़ाई में बसंती जैन चले गई, जय वीरू की लड़ाई में बसंती जैन चले गई, इसको भूल जाते। अरे वो बसंती जेल चले गई, आपका मंत्री बोलते रह गया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो बोलते रह गए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आप आदिवासियों के पैसे को खा रहे हो, आदिवासी के बच्चे के पैसे को खा रहे हो, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री किस प्रकार से आदिवासियों को पैसे खा रहे हैं।
अपने मुद्दा ही नहीं दिया देश के मुख्यमंत्री आपके समाज के लिए कृषि करने के लिए पैसे दिए जाते हैं बने रहे खबरों में खा रहे हैं खबरों में बने रहने के लिए और कहीं ना कहीं की इस उलूम बातें करना चाहते करो बाईस विधायक बाईस विधायक नितिन जी ऐसा क्यों लगता है देवलाल जी बोलना शुरू करते हैं आप बोलने लगते हैं सर विधानसभा में भी नहीं बोलने देते आदिवासियों के पैसे तो खा ले पाटन विधानसभा में ला दिए कर रहे हैं आप एक मिनट कहाँ जा रहे लाख सदस्य बनाए थे अरे कहाँ 56 लाख संभालो बहुत दुखी है वो आप दे सकते कुछ संभालिए बोलते रहे अपनी जगह सुनाते रहिए मेरे सरोज पांडे को भी संभालो भाई जो आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री खिलाफ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यों से कहीं पर भी कांग्रेस के लोग खुश नहीं है इस बात को आपको समझना होगा कि अकेले मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोग आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के आदिवासी नेता भ्रष्टाचार हो रहा है विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे भाई ये लोकतंत्र पार्टी है विधानसभा में जो उन्होंने प्रश्न लगाया था वो जस्टिसवादी फ्रंट का प्रश्न था और वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से दूर करने दिया गया ऐसा मुख्यमंत्री बनाकर रखे हो जिसपे प्रश्न लगाया हो रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है काम जिसके गृहमंत्री बोल रहे हैं बातें करके लोग प्रदेश में कानून व्यवस्था वो आपके नियमित के फटके बालों का राज चल रहा है और उसके जरूरी चीजों में एक दूसरे की पार्टी में कौन उपेक्षित है नाम तो सुनने दीजिए कम से कम देवलाल जी नितिन जी प्लीज ऐसी डिबेट की अपेक्षा आप लोगों से नहीं करती कम से कम बात उपेक्षा की हो रही है दरअसल और अपने अपने लोगों की यदि कहां उपेक्षा हो रही है इस पर ध्यान दिया जाए बंसाली जी जब भी देवलाल जी शुरू करते हैं बोलना आप तुरंत बीच में टोक देते हैं आप अरविंद नेताम जी के बारे में कुछ नहीं बोले देवलाल जी ने कहा था आप राम विचार नेताम पे पहुंच गए क्यों बोलूं मैं ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं राम विचार नेताओं के वो भी तो वरिष्ठ आदिवासी नेता है समय समय पर उनकी भी नाराजगी सामने आती है बयान आदिवासी दिवस आदिवासी दिवस आदिवासी इतना बड़ा अपमान दिया आप लोगों ने कांग्रेस इतना बड़ा अपमान दिया इसके बाद बच्चा पूछा था तो ये नंद कुमार साय नंदी राम कंवर आदिवासी समाज खड़ा है इस चीज सारे लोग करने की आवश्यकता है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अच्छा देवलाल जी एक सवाल का जवाब दीजिए आप चाहकर भी जो जब गए नंद कुमार साय जब ये पार्टी छोड़कर गए पार्टी को कोस कर गए पार्टी को क्या कुछ नहीं कहकर गए पार्टी की किरकिरी करके गए और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुई पूरे देश में हुई है और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि सिर्फ नंद कुमार साय के जिस दिन उन्होंने गए हैं पार्टी में कांग्रेस के साथ उन्होंने अपना हाथ मिलाया उसी दिन वहां मध्य प्रदेश में दीपक जोशी जी ने भी ऐलान कर दिया और आज वो कांग्रेस के हो गए ये क्या है सर कौन सा कहीं ऐसा तो नहीं है दम भरने लगे हैं आप लोग या आपने जो किया है 2020 में मध्य प्रदेश में या बाकी राज्यों में इससे पहले जो हुआ है अब ये उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आदिवासियों को सम्मान देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा 3 बार विधायक 4 बार राज्य 4 बार सांसद और जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए नंद कुमार साहब राजनीति सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ ना आप सुनोगे तभी तो बताऊंगा राजनीति प्रदेश में मानव जीवन में किसी भी मानव को संतुष्ट नहीं किया जा सकता हो सकता है कि उसकी राजनीतिक लालसा होगी अपमान नहीं किया वो क्यों राजनीतिक लालसा होगी आपके अपनों पर ही देवलाल जी आरोप लगा कर गए आज भी छुएंगे कि उनका राजनीति छवि खराब करने की कोशिश की गई देवलाल जी और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आज भी खुले हैं वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के ही है तो मैं बोलना चाहता हूँ आज नहीं तो कल वो वापस आएंगे ये कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा इस चीज को आप लोग समझ लीजिए ये कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है उनके विचार कांग्रेस से मिलने वाले है ही नहीं वरिष्ठ नेता जिस प्रकार से वो सनातन धर्म के अपमान पर कांग्रेस और वो वहाँ नहीं रह सकते सम्मान आप मुख्यमंत्री नितिन जी आप भी युवा हैं
आप सचिन पायलट का दर्द नहीं समझ रहे क्या? आप दर्द नंद कुमार साय का समझ रहे हैं? देखिए ये बात घूम फिर कर जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा थी ये तो अब आप ये बोलेंगे कि बात तो घुमाइए नहीं, कांग्रेस पे बात हो रही है ना, नहीं अपने लोगों पे बात हो रही है ना। आपने तब नहीं कहा, आपने तब नहीं कहा मेरे नीतीश जी का नाम लिया, नीतीश जी नहीं कांग्रेस में है ना, वो वसुंधरा राजे सिंधिया के समय भ्रष्टाचार का आरोप जो है लगे उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, उसमें जांच हो भी रही है भाई, पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे सार्वजनिक मंच पर आकर कर रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर कर रहे हैं। और मैंने सचिन पायलट का नाम क्यों लिया? अब तो नितिन नहीं ये कहते अरे अभी तक मनभेद की बात तो अभी तक जो है देवलाल जी उनकी पार्टी कह रही थी नंद कुमार साय के बारे में यही, वो छतरी में से कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला, आप लोग मेफेयर में ले गए उनको, बाकायदा सिक्योरिटी के साथ सदस्यता आपने दिलवा दी, ये तो पता ही नहीं कर पाए देवलाल जी, पता ही नहीं कर पाए उनके लोग, पता ही नहीं कर पाए कि है कहाँ पर नितिन जी। ऐसा ही होगा किसी दिन, क्या ऐसा ही होगा किसी दिन? बहुत दुखी थे और बहुत दुखी होके वो आए, और मैं वही कह रही हूँ कि आप स्वागत किया गया, चाहे वो देवलाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दुख वो दूसरों का समझ रहे हैं अपनों का नहीं समझ रहे, यही वजह है कि फिर उसके बाद जो अपने हैं वो और रूट रूट के जा रहे हैं, क्योंकि आप तो बाहर से बुला रहे हैं ना, आयातित कर रहे हैं, अभी तक आप आरोप लगाते थे कि बीजेपी पूरे सबको तोड़ रही है, ये क्या है? नंद कुमार साय जी को जिस तरीके से लाए हैं वो क्या है? देखिए नंद कुमार साय जी के आने से सरकार भी बन गई यहाँ पे, तोड़ना किसे कहते हैं सोनल जी? तोड़ना कहते हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और उधर वो गोवा में और किन किन राज्यों में जहां पे इनकी संख्या बल भी विधानसभा में कम थी, और तोड़ के एक जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को गिरा। उन्होंने कहा कि आप सरगुजा संभाग में उन्हें ऑप्शन के तौर पर लाए, कुछ नहीं नितिन जी सरगुजा संभाग में ऑप्शन के तौर पर लाए हैं, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी जो हैं उनको लेकर पूरे देश में जानकारी है कि वो किस तरह से जो है आहत है, और जब सचिन पायलट का मैटर हुआ उन्होंने कहा भी कि किसी की उपेक्षा होती है तो दुख होता है, उनका पूर्ण सम्मान है। टीएस सिंहदेव जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा या ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसका इतना प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। ठीक है, बहुत संक्षेप में देवलाल ठाकुर जी, चूंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, नारायण चंदेल जी के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें वो तो अपनी मीटिंग्स तक में नहीं जाते, अपनों के संपर्क में रहते नहीं है, दूसरे कौन है उनके बारे में बता रहे हैं, तो ये अभी स्थिति में है कि आप कम से कम छत्तीसगढ़ में कि उनके जिनके अच्छी खासी सत्ता हासिल कर रखी है सबसे प्रचंड बहुमत के साथ जो अभी इस वक्त मौजूद है उनकी पार्टी उनके घर पे नजर रखें और अपने घर को दरकिनार कर दें? भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी है, आज भी नहीं है और कभी पड़ेगी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल ही जनहित के मुद्दे को लेकर जन जन गांव गांव तक पहुंच रहे हैं, उन मुद्दों को उठा भी रहे हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसको मुख्यमंत्री को बताने की आवश्यकता नहीं है। शर्मा जी बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की 2023 की राजनीति के बारे में, ये जो कुछ चल रहा है और जो कुछ समय समय पर बाहर भी आता है, चाहे वो मोहन मरकाम जी हो, चाहे फिर अरविंद नेताम जी की बात की जाए, चाहे फिर वो टीएस सिंहदेव जी की बात की जाए, चाहे उन लोगों की बात की जाए जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने, जनता ने दल बदल को स्वीकार नहीं किया है, पहले ही बताया कि 14 विधायक गए वो आज कहां है। अरुण चटर्जी जैसा एक उदाहरण ही दे रहा हूं कि छोटा मतलब जमीन से जुड़ा हुआ एक नेता था, उसको राजेश मूरत ने एक नए रूप में आकर के उनको हरा दिया था। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, 14 के 14 विधायक नेपथ्य में चले गए। अब दूसरी चीज आ रही है कि उपेक्षा के चलते हुए पार्टी छोड़ते हैं, एक कारण होता है जैसे नंद कुमार साय का, दूसरी कारण रहता है कि चुनाव के समय देखने को मिलता है दल बदल होता है कि सामने वाले की यदि सरकार बनने की संभावना दिख रही है तो उसमें बड़े नेता चले जाते हैं कि हमको वहां पे अवसर मिल जाएगा। ये दो एक बड़े कारण रहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव तक देखना पड़ेगा किस ढंग से नेताओं की क्या भूमिका आती है, खासकर नया दल आप आ रहे हैं तो वहां जब उसको स्थिति बनती है तो केजरीवाल यहाँ के कांग्रेस भाजपा के नेताओं से कैसे बिना यहाँ के नेताओं को तोड़े नए नेताओं के दम पर यहाँ चुनाव लड़ना और सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ के कांग्रेस भाजपा में जो नाराजगी देखी जाएगी तो उसको कितना नए पार्टी लेता है ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भाजपा में एक दूसरे में जाने विचारधारा इतनी ज्यादा अंतर है कि किसी के जाने से जो आता है उसको दो सामने वाले जिस दल को छोड़कर वहां नुकसान होता है, लेकिन जिस दल में गए हैं उन नेताओं की भूमिका छत्तीसगढ़ में अभी तक के इतनी बड़ी नहीं दिखाई गई है कि वो एक मार्गदर्शन कहे कि इस दल में आने से उनके स्वाभिमान की रक्षा हुई है, सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा है। बहुत सारे उदाहरण है जैसे कुटे का नाम आता है, अरविंद नेताम जी
का नाम आना। ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन भाई नंद कुमार साय तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए, उन्होंने खूब तारीफ भी की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उनके कामों की, और वो आदिवासी समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब वो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सर अभी तो शुरुआत है, अभी तो चूंकि चुनाव की जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा, अभी 6 महीने मात्र रह गए हैं, ऐसे में हर कोई चाहेगा कि किसको कहां से लाभ मिल रहा है, क्यों ना उस तरफ चली जाए। बची राजनीति में बात विचारधारा की, तो अब राजनीति में विचारधारा जैसी कोई चीज रह नहीं गई पूरे देश के संदर्भ में देखें अभी फिलहाल तो। देवलाल ठाकुर जी और नितिन भंसाली जी, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। केके शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ संपर्क में सियासत से फिलहाल इतना ही, मुझे भी दीजिए।